नमस्कार, मैं लता तोमर कहानी किचन की से। तो आज हम एक सब्जी बनाएंगे। कई बार क्या होता है, चीज़ें बच जाती हैं, जैसे एक बैंगन बच गया, दो चार भिंडियाँ बच गई, ये परमल है, आलू है, गाजर, कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके घर में सब्जियाँ बची हुई हों। तो हम क्या करेंगे, इनको लंबी लंबी काटेंगे, थोड़ी पतली पतली, और बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे इस सब्जी को। तो शुरू करते हैं बनाना। तो हमने ये सब्जियाँ सारी लंबी लंबी काट ली हैं, पतली इस टाइप से। और आपके पास जो भी सब्जियाँ हो वो ले सकते हो, बची हुई एक एक दो दो पीस। कुकर गैस पर रख दिया है और इसमें हम तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम जीरा डाल देंगे, एक छोटा चम्मच, आधी छोटी चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। सिम कर लेते हैं गैस, थोड़ी सी हींग डालेंगे, एक टेबल स्पून करके हमने इसमें बेसन डाला है, थोड़ा सा भूनेंगे इसे, इससे इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा बेसन से। गैस धीमी ही कर रखी है हमने। दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून लाल मिर्ची, छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, अब बाद में भी डाल सकते हो नमक। थोड़ा सा भूनते हैं मसाले को, गैस धीमी रखें नहीं तो मसाला जल जाएगा, बेसन भी जल जाएगा। और अब हम सब्जियां डाल देंगे इसमें सारी जो हमने काटी थी, थोड़ा सा भून लेंगे इसे। बस ये थोड़ा सा भून लिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, आपको थोड़ा कम रस्सा चाहिए तो कम पानी डाल लें, ज़्यादा रस्सा चाहिए, तरी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लें। बाकी ये तरी वाली ही अच्छी लगती है, थोड़ी तरी होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और कुकर बंद करके हम इसमें दो सीटी लगा लेंगे। ये कुकर खोल के देख लेते हैं, हमारी सब्जी बन गई है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लिया है हमने। ज़्यादा गरम मसाला डालने से भी स्वाद अच्छा नहीं आता, थोड़ा ही डालना चाहिए हमेशा। हरी धनिया डाल देंगे, ये ज़्यादा डालेंगे थोड़ी सी काट के। और ये सब्जी बन गई है हमारी, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसे हम, और ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। और इसे हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं, ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं खूब सारा। और आपको पसंद आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।